पीतलखोड़ा में अजंता के समय की गुफाएं हैं। सह्याद्री पहाड़ी के सतमाला में पीतलखोड़ा की गुफाएं हैं। यहां 13 गुफाएं हैं जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित हैं। यहां से घाटी के मनोहर नजारा देखने को मिलता है। यहां कई गुफाओं में नकाशी और चित्रकला दिखाई गई है जो कि ईसा पूर्व पहली सदी से ईस्वी के 5वीं सदी तक की है। ये सभी अजंता के बाद ही खोजी गई। इनके बारे में सबसे पहले 1853 में लिखा गया और इसमें गुफा 3 और गुफा 4 के बारे में उल्लेख किया गया। कई सारी गुफाओं की चित्रकला खराब हो चुकी है और कुछ चित्रकारी को लोगों ने तोड़ दिया है। अधिकतर गुफाएं और पेंटिंग्स या तो मौसम खराब हो गई है या फिर लोगों ने इन्हें तोड़ दिया है। बौद्ध धर्म के हीनयान के समय में ये गुफाएं देखने को मिली, जो कि पश्चिमी भारत के बौद्ध मंदिरों में आज भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सातवाहन राजवंश के शासनकाल में ये गुफाएं खोदी गई होंगी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि 5वीं ईस्वी में वकाटका शासन के काफी समय बाद ये दिखाई दी होंगी। हीनयान बौद्ध धर्म के समय इनके पूजा स्थलों पर बौद्ध और बोधिसत्व की कोई मूर्ति नहीं थी और ना ही पीतलखोड़ा के गुफा नंबर 3 में चित्रकारी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इन गुफाओं को दो भागों में बांटा गया है। 1 से 9 गुफाएं उत्तर पूर्व दिशा की ओर हैं, जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन्हें पहले समूह में रखा गया है। पहाड़ी के दूसरी तरफ 10 से 14 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का मुख दक्षिण की ओर है, इन्हें दूसरे समूह में रखा गया है। कई गुफाएं या तो जीर्ण क्षीण हो गई हैं या फिर क्षतिग्रस्त कर दी गई है। गुफा 1 बहुत बड़ा विहार नजर आता है। गुफा 2, 3 और 4 में इसी तरह के प्रांगण है, जिसे ऐसा माना जाता है कि ये भी इसी काल के समय के रहे होंगे। गुफा 2 और 3 के बीच स्थित दीवार अब नष्ट हो गई है। गुफा 2 एक विहार है जिसमें पहाड़ी को काटकर नालियां बनाई गई हैं, जो पानी के बहाव को गुफा 3 में जाने से रोकती है। गुफा 3 में पूजा होती थी। गुफा 3 में बेहतरीन चित्रकारी है जो कि दीवारों और पिलरों पर बनी हुई है। हॉल के अलावा गलियारा बनाने के लिए 37 पिलरों की सहायता ली गई है। प्रत्येक गलियारे के 10वें और 11वें पिलर को अभिलेख के लिए समर्पित किया गया है। जिन्होंने इन दोनों पिलरों को भेंट किया वो पठान के ही रहने वाले थे। नीचे बेसमेंट में चले तो यहाँ नकाशी की कई कलाएं देखने को मिल जाती हैं। गुफा 4 में कई सारी छोटी गुफाएं हैं जिनमें हाथी और घोड़ों की नकाशी है। साथ ही दान दाताओं के अभिलेख भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा एक अन्य पहाड़ी पर राजकुमार के तौर पर बुधवार को दर्शाया गया है, जो अपना राजमहल त्याग रहे हैं। बुधवार के जीवन का यह एकमात्र दृश्य है जो पीतलखोड़ा में पाया गया है। क्षतिग्रस्त गुफा संख्या 5 एक विहार है जिसकी चट्टानों पर व्यापारियों की दान दी हुई चीजों के नाम उकेरित हैं। गुफा 6, 7 और 8 भी विहार है। गुफा 6 में दीवारों पर पेंटिंग के कुछ निशान देखे जा सकते हैं। 7 और 8 में पत्थरों को काटकर बनाया जा रहा एक अधूरा हौज है। गुफा 9 विहार का विस्तार है और इसमें पेंटिंग और प्लास्टर के अवशेष हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर गुफा संख्या 10 से 14 मौजूद हैं, जिनमें पूजा स्थल बनाए गए हैं और इनमें स्तूप रखे गए हैं। गुफा 11 में कई स्तूप हैं जो अलग अलग समय पर खुदाई के दौरान मिली थी। गुफा 13 और 14 का प्रांगण एक ही है और यहाँ बेहद खूबसूरत नकाशी युक्त मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये टूट चुके हैं। शहर से बहुत दूर होने के कारण पीतलखोड़ा में बहुत कम लोग इन गुफाओं को देखने आते हैं।